अगर कुछ दिनों से आपको भी गैस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, गैस की वजह से आप कुछ भी जैसे ना खा पा रहे हैं, ना तो पी पा रहे हैं, ना तो आपकी लाइफस्टाइल प्रॉपर तरीके से घर पे लाइफस्टाइल को भी नहीं फॉलो कर पा, अगर आपको एसिडिटी गैस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आज हम कुछ ऐसी होम रेमेडीज बताने जा रहे हैं जो आपके घरों में किचन में रखी गई हैं, बस वो रखी ही गई हैं, हम उनका यूज़ नहीं कर रहे हैं। आज हम उन्हीं का यूज़ करके ये सारी प्रॉब्लम से खुद को ठीक कर रहे हैं। पहले तो हम ये जानते हैं गैस क्यों बनता है, गैस की प्रॉब्लम या एसिडिटी की प्रॉब्लम हमारी बॉडी में क्यों होती है। सबसे पहला है एयर विद द फूड, खाते समय खाने के साथ साथ हवा का भी शरीर के अंदर जाना, अगर खाने के साथ साथ हवा भी शरीर के अंदर जाता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब खाना प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता। आप सोच में पड़ गए होंगे कि खाने के साथ हवा कैसे जाता है, मुंह खोलकर खाना खाना, ऐसे ऐसे से चबा चबा कर खाना खाना, या फिर खाते समय बात करना, अगर आप खाते समय बात कर रहे तभी तो मुँह खुला है, एयर तो जा रही है, अरे हल्की सी तो एयर जानी है, कौन सी बहुत बड़ी बड़ी ऐसे ऐसे करके करेंगे तभी हवा अंदर जाएगी, ऐसे 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 खा रहे तभी तो मुंह तो खुला आपका हल्का सा, हवा तो जा ही रही है, तो अगर खाने के साथ हवा जाती है तब भी गैस होता है। तो इसी वजह से बोला जाता है खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, खाने पर कंसनट्रेशन करके फुल कंसनट्रेशन खाने पर होना चाहिए, खाने को प्रॉपर तरीके से चबा चबा कर उस पर ध्यान दीजिए, उसे देख के खाइए, अच्छे से खाइए प्रॉपर तरीके से, तब गैस या अल्सर जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। खाने को जितना ज़्यादा आप चबा कर खाएंगे, जितना ज़्यादा वो उतने अच्छे से डाइजेस्ट होगा। मुंह में सलाइवा क्यों दिया हमारे नेचर ने, क्यों हमारी बॉडी में सलाइवा होता है, खूबसूरती के लिए नहीं, खाना पचाने के लिए। खाना बचाने के लिए हमारे नेचर ने सलाइवा दिया है, उसका यूज़ करिए, उसका यूज़ कैसे करेंगे, नहीं खाने को मुंह में डालिए, इधर किया गले के अंदर घुसा दिया, नहीं घुस रहा पानी डाल दिया घुसा दिया। अगर आप ऐसी गलतियां करेंगे तो आपको एसिडिटी गैस जैसी प्रॉब्लम जल्दी ठीक ही नहीं होगी, कितनी भी दवाइयाँ खा लीजिए, इसकी कोई पर्सनल दवाई नहीं होती, इसको ठीक करना है तो आप खुद से ठीक कर सकते, तो अच्छे से चबा चबा कर खाने को खाइए और खाते समय बोलिए मत, गैस कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगला है कुछ फूड ऐसे होते हैं जो गैस बनाते ही बनाते हैं, तो उन फूड से बचकर रहिए, गैस नहीं बनेगी आपके साथ। अगला है फूड विथ वाटर, अरे मैक्सिमम लोग हैं, बोले तो हम 99% लोग हैं जो खाने के साथ उन्हें पानी चाहिए ही, अमृत है उनके लिए, उन्हें लगता है कि हम खाने के साथ पानी नहीं पिएंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा, खाने के साथ पानी पीना ही नहीं चाहिए। ऐसे समझ सकते हैं आप, जैसे ये हमारा स्टमक है, स्टमक से क्या निकल रहा है, एसिड, एसीएल, एंजाइम, क्यों, खाना पचाने के लिए, आग निकल रही है, ऐसे हम आग में पानी डालेंगे आग बुझ गई, उसी तरीके से ये जो आग निकल रही है, पानी पी लिया, खाना गया पानी पी लिया, आग निकल रही क्या करने के लिए, खाने को पचाने के लिए, ऊपर से पानी डाल दिया आग बुझ गई, खाना पचने की जगह पे वो सड़ जाएगा, तभी जाके गैस और एसिड जैसी प्रॉब्लम होती है। बट आप समझते नहीं, आपको पानी के साथ खाना चाहिए, खाने के साथ पानी चाहिए, कुछ भी खाएंगे तो पियेंगे जरूर, नहीं पियेंगे पचेगा कैसे, क्यों नहीं पचेगा, आप चबा चबा खाइए, पानी पीने की जरूरत ही नहीं, तभी तो नेचर ने हमारे सलाइवा दिया ताकि आप खाने के साथ पानी ना पीजिए। बट आपको समझना ही नहीं है कोई चीज, ऐसे समझिए, थॉट लगाइए, अपना खुद का माइंड लगाइए कि हम आग निकल रही है, आग में पानी डालेंगे आग बुझ जाएगी, उसी तरीके से हमारे स्टमक से बहुत सारे एंजाइम आग निकल रही है, समझ लीजिए, खाना पचाने के लिए, तो हम पानी डाल देंगे वो आग बुझ जाएगी, खाना हमारा पचेगा ही नहीं, खाना पचे प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो उसके लिए आपको पानी को छोड़ना होगा, अवॉइड करना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और आपका गैस कभी नहीं ठीक होगा, कितनी भी मेडिसिन आप यूज़ कर लीजिए।
तो ये तीन मेन कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको गैस जैसी प्रॉब्लम होती है। पानी पीना छोड़ दीजिए, खाने के घंटे बाद पानी पी लीजिए, या आप ऑयली चीज़ खा रहे तो खाने के डेढ़ घंटे बाद पानी पीजिए और हल्का सा गुनगुना पानी पी लीजिए। बस एक बार खाने के डेढ़ घंटे बाद, अगर आप कोई ऑयली चीज़ खा रहे तो उसकी डेढ़ घंटे बाद या दो घंटे बाद, नहीं बर्दाश्त हो रहा तो डेढ़ घंटे बाद गुनगुना पानी पी लीजिए, उसके बाद आप नॉर्मल वाटर यूज़ कर सकते हैं। खाने पीने के बीच में गैपिंग करिए, खाना खा रहे हैं जैसे 9 बजे खा रहे हैं 10 बजे पानी पीजिए, 10 बजे खा रहे हैं तो 11 बजे या 11:30 बजे पानी पी लीजिए। बड़ी प्यास लगी है तो उसके पहले पानी पी के उसकी पूर्ति को पूरी कर लीजिए, नहीं प्यास लगेगी, इतना भी हमारी बॉडी को पानी की जरूरत नहीं पड़ती कि आप एक एक घंटे में 4-4 गिलास पानी पी लीजिए। तो बस पानी मत पीजिए खाना खाने के बाद, खाने के साथ गैस कभी नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी, 101% गारंटी के साथ हम बोल सकते हैं। लॉजिक लगाइए, साइंस लगाइए, किसी चीज़ में हमारी साइंस होनी चाहिए, साइंस लगा लीजिए कि हाँ सच में आग निकल गई, आग में पानी डालेंगे आग बुझ जाएगी, तो बस देखिए आपकी ये सारी प्रॉब्लम तुरंत ठीक हो जाएगी। अब हम बताएंगे कुछ ऐसे ट्रीटमेंट अगर नहीं ठीक हो रहा है या कभी गैस बने ही ना, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम हो ही ना, उससे आपको बचना कैसे है। सबसे पहला है अजवाइन। अजवाइन में थाइमोल नाम का एक प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है, एक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है जो हमारे गैस की प्रॉब्लम को ठीक करता है। तो अगर आप अजवाइन डेली खा रहे हैं या पानी में डाल के एक चम्मच अजवाइन लीजिए, उसे पानी में डालिए, 15 से 20 मिनट बॉईल करने के बाद जब उसका रस प्रॉपर तरीके से निकल जाए तो आप उस पानी को पी लीजिए, आपको गैस से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा ट्रीटमेंट है जीरा वाटर, जीरा पानी, मतलब पानी लीजिए जितना पानी पीना है, एक गिलास पीना तो एक ही गिलास लीजिए, 4 गिलास मत लीजिए कि फेंकना ही पड़ जाए, एक गिलास लीजिए, उसमें एक चम्मच जीरा डालिए, जीरा पाउडर अगर है तो जीरा पाउडर डाल सकते हैं तो नॉर्मली उसे पी लीजिए, जीरा पाउडर नहीं है जीरा ही है, साबुत जीरा है तो जीरे को डाल लीजिए, आधे घंटे तक बॉयल करिए स्लो आँच में, एकदम मीडियम गैस कर लीजिए, एकदम मीडियम में, उसके बाद आधे घंटे बाद उसका रस प्रॉपर तरीके से पानी के अंदर निकल जाएगा, फिर छान लीजिए पी लीजिए, यह है दूसरा तरीका। या आप हींग वाटर, हींग लीजिए, खाइए थोड़ा सा चुटकी भर ही, पानी पी लीजिए तुरंत ठीक हो जाएगा इस तरीके से। या वैसे हींग नहीं खा सकते तो 2 से 3 चम्मच पानी ले लीजिए, बॉयल करिए, उसमें हींग डालिए, वैसे भी आप पी सकते हैं। अगला है सौंफ वाटर, मतलब एक चम्मच सौंफ लीजिए, पहले उसे आधे घंटे तक भिगो दीजिए पानी के अंदर, फिर उसे पीस लीजिए, छानने के बाद आप उस पानी को पी लीजिए, देखिए ठीक हो जाएगा गैस की प्रॉब्लम। अगला ट्रीटमेंट है जिंजर वाटर, एक चम्मच अदरक लेना है, मतलब उसको ग्राइंड करने के बाद एक चम्मच लीजिए, पानी में डालिए, बॉईल कर लीजिए, जितना पानी आपको पीना है उतने पानी में डालकर उसे बॉईल कर लीजिए, उस पानी को फिर पी लीजिए, देखिए आपकी गैस की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ये कुछ ऐसे होम रेमेडीज हैं, घर में तो सारी चीज़ें पाई जाती हैं, प्रेजेंट होती होती माय किचन में है। अगर आपको गैस से प्रॉब्लम है नहीं, गैस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं रही, गैस नहीं बन रही, तब भी आप इन चीज़ों का यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आपका स्टमक तो स्ट्रांग होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम तो स्ट्रांग होगा, डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इन सब में से किसी भी होम रेमेडी को यूज़ करिए, किसी भी, या तो जीरा पानी पी लीजिए, या सौंफ, या फिर जिंजर, हींग, या फिर अजवाइन, कोई सा भी पानी पी लीजिए, डेली पी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाने के घंटे बाद जब आप पानी पीना है, खाने के घंटे बाद ही पीना है, तो आप इन सब में से कोई सा भी किसी भी टाइप का वाटर बनाकर आप यूज कर सकते हैं, गैस और एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम चुटकियों में ठीक हो जाए, सच में ठीक होगी। आप कितनी भी गैस की मेडिसिन यूज करिए, कितना भी अलग अलग ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, नहीं ठीक, बट आप कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करिए जो हमारी बॉडी चाहती है, नुकसान भी ना करे, फायदा ही फायदा है उसका, उस चीज़ में नहीं फायदा करेगा तो कहीं ना कहीं तो फायदा ही करेगा, तो बस इसका यूज़ करिए, आपकी देखिए फटाक से चुटकियों में आपकी गैस की प्रॉब्लम ठीक। और ये जो मैंने बताया कि गैस बनता क्यों है, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको ये सारी हैबिट को छोड़ना, खाना खाते समय मत बोलिए, खाने को चबा चबा कर खाइए, और ऐसे फूड को मत खाइए
जो हमारी बॉडी में जाकर गैस बनाए, या फिर खाने के साथ पानी तो नहीं यूज करते, तो बस यही कारण है जिसकी वजह से आपको गैस बनती है। तो इस कारण से बचने के लिए आपको इन्हें छोड़ना पड़ेगा ताकि आप गैस से बच सकें, क्योंकि गैस बनती है, डाइजेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो हम पूरा दिन अनहैप्पी फील करते हैं, हमारी बॉडी हमें खुद नहीं अच्छी लगती, लेजी सा फील करते हैं, हेडेक होता है। तो इन सबसे बचने के लिए आपको ये सारी हैबिट को छोड़ना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी तो मैक्सिमम लोगों के पास शेयर करिए ताकि वो भी इस सब हैबिट को छोड़ दें और एक अच्छे लाइफ स्टाइल को फॉलो करें ताकि वो हेल्थी रह सके। तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट सेशन में जाकर पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का भी रिप्लाई देंगे और आप जो कमेंट करके पूछेंगे उस कमेंट से रिलेटेड वीडियो भी बनाएंगे। और मेरा काम ही है आपको मोटिवेट करना, आप तक अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचाना ताकि आप एक हेल्थी और हैप्पी लाइफ स्टाइल को फॉलो कर सकें। फिर मिलेंगे इसी तरीके से और भी बहुत अच्छी सी इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।